हेलो फ्रेंड्स, सर्दी, खांसी और बुखार, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर किसी बच्चे के साथ में लगी हुई रहती है। अब इन तीनों में से जो सर्दी है या फिर बुखार है, वो तो कुछ मेडिसिन देने के बाद में जल्द ठीक हो जाते हैं, लेकिन खांसी की प्रॉब्लम बच्चों में एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है कि वो मेडिसिन्स देने के बाद में भी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती और लंबे समय तक बनी हुई रहती है। उसमें बच्चा खांसते रहता है और परेशान रहता है, और उस बच्चे से ज़्यादा जो है उस बच्चे के पेरेंट्स परेशान रहते हैं, क्योंकि खांसी के वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और वो ठीक से सो भी नहीं पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो उसकी खांसी को कम करने में और उसकी खांसी को मिटाने में बहुत हद तक आपकी हेल्प करने वाली है। तो इसके अंदर हम सबसे पहली जो होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कैरम सीड्स के बारे में। ये कैरम सीड्स, जिसे हम सामान्य भाषा में अजवाइन भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको करना क्या है कि आपको 3 से 4 बड़े चम्मच अजवाइन लेना है और उसको अच्छी तरह से गर्म करना है। जब उसमें से उसकी खुशबू या स्मेल आने लगे, उसे निकाल करके एक कॉटन के कपड़े में बांध करके एक उसकी पोटली बना लेनी है। अब उस अजवाइन की पोटली को बना लेने के बाद में उसको आपको चेक करना है कि वो कहीं ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं लग रही, क्योंकि उससे डायरेक्टली आप किसी छोटे बच्चे को नहीं सेक दे सकते। फिर भी वो पोटली जब थोड़ी ठंडी होने लगे, उस टाइम उसे बच्चों के कपड़े के ऊपर से ही उसे सेक देना है। सेक देने के लिए आपको उसका जो चेस्ट वाला, सीने वाला रीजन है, वहां पर हल्के से आप दे सकते हैं। उसका जो बैक साइड वाला रीजन है, वहां भी आपको देना है, और हल्का सा आप हाथ पैर पर और गले पर भी उसको सेक कर सकते हैं। क्योंकि अजवाइन में एंटी इंफ्लामेटरी प्रोसेस है, इसीलिए बच्चे को जो कफ जमा हुआ है, जो म्यूकस है, वो उससे पिघलने में उसको मदद मिलती है, और उससे काफी हद तक कि वो बाहर आता है और उसकी खांसी में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि आप उस बच्चे को क्या कर सकते हैं कि जो नॉर्मली आप जो हमारे घर में अदरक होती है, उस अदरक को थोड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि अदरक बहुत तीखी होती है, डायरेक्टली बच्चे को नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर के कुछ तुलसी के पत्ते लेना है और दोनों को पीस करके हल्का सा पानी में गुनगुना गर्म करना है। तो आपके पास में एक वाटर तैयार होगा, इस वाटर को आपको सिप सिप करके, मतलब कुछ बूंद बच्चे को देना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है, एंटी कफ प्रॉपर्टीज होती है ये दोनों की, तो उससे भी उसकी खांसी को कंट्रोल होने में कई हद तक हेल्प मिलेगी। अब इससे क्या होगा कि आप उसको चूंकि पानी दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी और उसकी खांसी भी दूर होगी। नॉर्मली हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि आपको उस बच्चे को क्या है कि मसाज भी देना है। आपने देखा होगा कि कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं, जैसे फिगारो ऑयल्स होता है, और बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जिसकी डाबर तेल होता है, लाल तेल, जिसकी मालिश हम बच्चे के अंदर करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको खुद एक आपका ऑयल एक अच्छे वेल प्रिपेयर तरीके से तैयार करना है, जो कि आप उसको मसाज करेंगे, और वो मसाज आपको बच्चे की खांसी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसके बाद में उसमें 2 से 4 लहसुन की कलियां हल्की सी पीस कर डालनी है, और कुछ दाने मेथी के डालने हैं, और अच्छा उसको उकाल करके उसका एक ऑयल प्रिपेयर करना है, और बच्चे के हल्का सा गले के ऊपर, चेस्ट पे, बैक रीजन में और हाथ पैर पर उसकी अच्छे से मालिश करना है। इसकी वजह से भी क्या होगा कि खांसी को दूर होने में बहुत ज़्यादा तक के मदद मिलेगी, और उस बच्चे का जो कफ है वो भी कम होगा। अगला हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बाथरूम में जो शॉवर्स होते हैं, उसमें हमको गर्म पानी चलाना है और उसको क्लोज कर देना है डोर को, फिर उसे धीरे से एकदम से खोल करके बेबी को अंदर लेकर के जाना है। तो उससे क्या होगा कि वहां का जो एकदम हॉट इन्वायरमेंट, गर्म वातावरण जो बना हुआ है, वो भी बहुत तक के म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। देन हम लास्ट में हम बात करेंगे
वेपोरब्स के बारे में। जो वेपोरब होता है वो तो जो है एडल्ट्स के लिए होता है, उसी तरह से वेपोरब की तरह एक बेबी रब आता है जिसको हम बच्चों की विक्स बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आजकल फेमस है। तो उसकी भी आप बच्चे को हल्की सी मसाज कर सकते हैं, जो कि कफ को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और साथ में ये उसको जो कोल्ड है सर्दी उसमें भी ये बहुत ही अच्छी हेल्पफुल एक मेडिसिन हो सकती है। और साथ में ही सबसे पहले हमने जो बात की थी अजवाइन की पोटली की, तो उसको भी आप उसके जो है बिस्तर में रख सकते हैं जिसकी स्मेल उस तक के जाएगी। और उसके साथ में जो आपने देखा होगा ग्रीन कलर का कैप्सूल आता है जिसको यूकेलिप्टस ऑयल कैप्सूल्स कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ता है बच्चों, मतलब एडल्ट्स रहते हैं उनको तो हार्ड लगता है, तो बेबी में कितना ज़्यादा हार्ड होगा वो। तो वो आपको इस कंडीशंस में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप वो जो कैप्सूल यूज़ की लीजिए यूकेलिप्टस ऑयल्स वाला, तो नहीं करना। अगर करना भी चाहे तो एकदम मिनिमम अमाउंट में आप उस बेबी का जो बेड है उस पर उसको लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट के अंदर। अब ये सब कुछ करने के बाद भी अगर उसका कफ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो देखिए ये एक बच्चों की बात है, तो इस फिर आपको क्या करना है कि अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है आपसे, तो फिर इस कंडीशन में आप आपके नज़दीक किसी भी अच्छे पीडियाट्रिक्स को कंसल्ट करें, ठीक है।